बाबर एक ऐसा नाम जिसको इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही बाबर है जिसने भारत में आकर मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और उस मुगल साम्राज्य ने भारत में 300 साल से भी ज़्यादा तक शासन किया और इस शासनकाल में पूरी तरह से भारत का इतिहास बदल चुका था और उस समय पर भारत में बड़ी बड़ी इमारतों को भी बनाया गया जो आज तक हमारे भारत में खड़ी हुई हैं, जो आज हमारे मुगल साम्राज्य और जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर उसकी याद को ताज़ा करती हैं। तो क्या आपको पता है कि जो बाबर था जो भारत को जीतने आया था वो अपनी ज़िंदगी से कैसे हारा था? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जो भी दोस्त जानना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबर की मृत्यु का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अपनी जागीर संभालने भेजा था। वहां वह बेहद बीमार पड़ गया। उसे गंभीर हालत में नाव की सहायता से आगरा लाया गया। आगरा किले में उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसका इलाज कर रहे हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त हुमायूं की बीमारी की कारगर दवा हकीमों के समझ में नहीं आ रही थी। इतिहासकार राजकिशोर राजे ने अपनी किताब तवारीख ए आगरा में लिखा है, जब उस वक्त के मशहूर फकीर अबू बकर ने बाबर से अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करते हुए खुदा से हुमायूं की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करने को कहा, बाबर ने स्वयं को सबसे कीमती बताया और हुमायूं की पलंग की परिक्रमा करते हुए कहा कि हुमायूं की बीमारी उस पर आ जाए। कहा जाता है कि उसके बाद बाबर बीमार हो गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। दूसरी ओर हुमायूं स्वस्थ होने लगा। जब हुमायूं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाबर के शव को अस्थायी रूप से जमुना पार चार बाग में रखा गया। उसके बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर अंतिम रूप से दफना दिया गया।